अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है, कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस होता क्या है। अगर हम हार्डली जो है वो इंटेलिजेंस को एक वर्ड में, एक सेंटेंस में डिफाइन करने की कोशिश करें तो इट क्वाइट बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली आप उसको एक सिंपल सेंटेंस में जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। यह एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन जो है वो बताई हुई है कि इंटेलिजेंस कैन डिफाइन एज अ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, यानी एक एक इंसान के अंदर एक ग्लोबल, ग्लोबल मीन होता है वर्ल्ड वाइड जो कैपेसिटी होता है कि वो कितने अच्छे तरीके से पर्पसफुली एक्ट कर सकता है डिफरेंट सिचुएशन में, या कितने अच्छे तरीके से वो रैशनली थिंक कर सकता है या अफेक्टिवली डील कर सकता है इन्वायरमेंट के साथ, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है। तो उस एबिलिटी को, उस कैपेसिटी को जो है वो आप कहते हो इंटेलिजेंस, या इन शॉर्ट आप कहो कि एक पर्सन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है उसको आप कहते हो इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया। जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जो कि आप किस तरीके से खुद को किसी न्यू सिचुएशन में, किसी न्यू इन्वायरमेंट में, किसी नई न्यू सर्कमस्टांसिस में खुद को जो है वो एडजस्ट करते हो। एक पर्सन जो जितना जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसके अंदर वो एबिलिटी जितनी ज़्यादा है उतना अकॉर्डिंग टू जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू वो उतना ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इंटेलिजेंस क्या है, ये वो एबिलिटी है कि आप कितने अच्छे तरीके से जो है वो बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हो पास्ट एक्सपीरियंस के, जो आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप उनको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो। उस पास्ट एक्सपीरियंस को या उस रिसोर्सेज को आप जितना बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हो विद इन सर्कमस्टांसेज जो है, उस सिचुएशन में रह के उस एबिलिटी को कहते हैं इंटेलिजेंस। जैसे बहुत सारे लोगों के जो है वो पास एक्सपीरियंसेस होते हैं लेकिन वो उनको जो है वो यूज़ नहीं करते, या उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते अपने उस एक्सपीरियंस को। तो इस तरह जो है वो कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि वो लोग जो जितने अच्छे तरीके से अपने पास एक्सपीरियंस को, जो उन्होंने पास में चीज़ें सीखी होती हैं, जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनको कितने अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, तो उस एबिलिटी को भी आप कहते हो इंटेलिजेंस। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि इंटेलिजेंस क्या है, ये वो एबिलिटी है टू लर्न। एक पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है, लर्न कर सकता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, कॉन्सेप्चुलाइज कर सकता है, उनको रिटेन कर सकता है, उस एबिलिटी को भी आप कहते हो इंटेलिजेंस। जबकि कुछ लोगों ने कहा था कि इंटेलिजेंस क्या है, ये वो एबिलिटी है ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। अगर आपको थिंकिंग वाला लेक्चर याद हो तो हमने दो तरह की जो है वो थिंकिंग की बात की थी। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दूसरी आती है कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग में आता है कि आपकी जो सुपरफिशियल थिंकिंग आती है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आपकी जो है वो डीप या इन डेप्थ थिंकिंग जो है वो आ जाती है। यानी वो चीज़ें जो आपको बज़ाहिर फिजिकली फॉर्म में नज़र नहीं आती लेकिन आप उनको भी कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हो, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो या उनके बारे में सोच सकते हो, उन थिंकिंग को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट जो है वो थिंकिंग। जैसे फ्रीडम है, इमोशन है, चीज़ें हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती बट वी कैन थिंक अबाउट जो है वो दैम। तो एक पर्सन की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कितनी अच्छी है, उस एबिलिटी को भी आप कहते हो इंटेलिजेंस। भी ये नेक्स्ट बताया कि साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो किस तरीके से जो है वो इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था। कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इंटेलिजेंस क्या, एबिलिटी टू लर्न है। कुछ का कहना है कि एबिलिटी टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हो, या आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप प्रॉब्लम को जो है वो किस तरीके से सॉल्व कर लेते हो, तो उस एबिलिटी को भी आप कहते हो इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ थ्योरीज बताई हैं जो इंटेलिजेंस पे जो है वो डिफरेंट लोगों ने जो है वो दी थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अगर हम टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ये बेसिकली चार्ल्स स्पीयरमैन साहब ने ये थ्योरी दी थी 1927 में। इस थ्योरी में इसने बेसिकली दो फैक्टर्स का जो है वो जिक्र किया था, एक जी फैक्टर का और दूसरा जो है वो इसने एस फैक्टर का जो है वो जिक्र किया था। टू फैक्टर थ्योरी में जो है जो जी फैक्टर आपके पास आ जाता है, इसमें जी फैक्टर जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जनरल इंटेलिजेंस को जो इन्वॉल्व होती है, जिसमें स्पेसमैन साहिब ने कहा कि जो है वो जनरल इंटेलिजेंस मीन ये कि एक पर्सन के अंदर अगर ये जी फैक्टर ज़्यादा है तो मतलब वो कोई भी टास्क जो है वो ईजीली परफॉर्म कर सकता है। अगर वो किसी एक फील्ड में जो है वो सक्सेसफुल है तो इसका मतलब वो बाकी फील्ड में भी जो है वो मतलब बाकी फील्ड का जो टास्क है उसको भी बेहतर तरीके कर सकता है। जैसे कि सपोज अगर एक पर्सन जो है वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है तो जो है वो माइनर इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट को भी रिपेयर कर सकता है, या इसके साथ साथ जो है वो एक अच्छा ड्राइवर भी जो है वो होगा। जबकि एस फैक्टर में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का जो है उसने बताया कि इसमें वो आ जाती है
एबिलिटी दैट आर नीडेड टू परफॉर्म सर्टन कॉग्निटिव जो है वो टास्क, यानी कोई स्पेसिफिक, अगर सर्जन है तो स्पेसिफिकली जो है वो सर्जरी को ही परफॉर्म कर सकता है। तो ये दो इंटेलिजेंस का उसने जिक्र किया था अपनी इस थ्योरी में, जो है वो एक जनरल फैक्टर का और दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर का। उसने जो स्पीयरमैन है उसने जो ज़्यादा एम्फसाइज किया था उसने जी फैक्टर पर कहा था। उसने कहा था कि एक पर्सन उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है जितना ज़्यादा उसके अंदर ये जी फैक्टर है, यानी जी फैक्टर मीन जनरल इंटेलिजेंस, कि अगर वो एक फील्ड का एक्सपर्ट है तो बाकी सारी फील्ड का भी जो है वो एक्सपर्ट होगा। इसमें जो है उसने कहा कि जो जी फैक्टर है ये एक पर्सन, अगर ये किसी पर्सन के अंदर ये फैक्टर ज़्यादा है तो उसको हेल्प करेगा कि वो मैनी फील्ड में जो है वो काम कर सकता है, जबकि एक वो पर्सन जिसके अंदर एस फैक्टर ज़्यादा है वो एक स्पेसिफिक फील्ड में जो है वो काम कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड का जो है वो स्पेशलाइज है। तो स्पीयरमैन साहब ने जो है वो ज़्यादा वैल्यू दी थी जो है वो जी फैक्टर को एज़ कम्पेयर टू जो है वो एस फैक्टर। उसने कहा था यही एक पर्सन की जो है वो इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करता है, जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ज़्यादा पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट होगा। सेकंड थ्योरी की बात करें तो ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आती है। लॉइस थर्नस्टोन साहब ने ये थ्योरी पेश की थी 1938 में। इसमें इसने कहा था कि इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, बल्कि क्या है इसमें जो है वो स्मॉल सेट ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर, यानी ढेर सारे फैक्टर्स जो है वो मिलकर आपकी जो है वो इंटेलिजेंस को जो है वो डिफाइन करते हैं, और हर फैक्टर की जो है वो अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इन फैक्टर को उसने बेसिकली प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का नाम दिया था। थर्नस्टोन ने इंटेलिजेंस को डिफाइन कैसे किया कि इसने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली डिफाइन एज अ क्लस्टर ऑफ एबिलिटी, कि इंसान के अंदर जो एबिलिटी है उसके क्लस्टर को आप कहते हो इंटेलिजेंस। फिर उसने सेवन फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है उसको आइडेंटिफाई किए, जो उसने कहा कि जो फैक्टर है ये जो है इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक फैक्टर दूसरे पे जो है वो डिपेंड नहीं करता। फिर उसके बाद इसने कहा कि एक पर्सन जो है वो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिहाज से जो है वो इंटेलिजेंट है या उस फील्ड का ज़्यादा परफेक्ट है तो हो सकता है वो दूसरी फील्ड में ना। सेवन फैक्टर में जो इतने सेवन फैक्टर का जिक्र किया उसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास वर्बल एबिलिटी, फिर आता है वर्ड जो है वो फ्लुएंसी, फिर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड एंड स्पेशल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में कहा कि एक पर्सन के पास जो है वो कितना है वो उसकी कम्युनिकेशन वर्ड की जो है वो स्ट्रेंथ कितनी है, या कम्युनिकेशन के दौरान जो है वो उसकी वर्बल एबिलिटी जो है वो कितनी है वो आ जाता है। वर्ड या वर्बल फ्लुएंसी में कि जो है वर्ड्स के दिमाग उसका गैप कितना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वो सही जो है, या उसकी फ्लुएंसी कैसी है वो बोलता कैसे। इसमें जो है वो उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो वर्बल फ्लुएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वर्ड्स फ्लुएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाता है कि एक पर्सन की मैथमेटिकल स्किल जो है वो कितनी अच्छी है। मेमोरी एबिलिटी में आता है कि एक पर्सन जो है इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे तरीके से रिटेन कर सकता है या रिकॉल कर सकता है चीज़ों को। उसमें जो है वो उसने कहा कि कुछ लोगों के अंदर ये फैक्टर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर परसेप्चुअल फील्ड में आ जाता है, परसेप्चुअल फील्ड में कहा कि कुछ लोगों की परसेप्शुअल जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो परसीव कर लेते हैं। स्पेशल एबिलिटी में उसने कहा कि एक पर्सन जो है वो थ्री डायमेंशनली जो है वो कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को परसीव कर लेता है, थिंक कर लेता है, वो उस एबिलिटी का इसमें जिक्र किया। और लास्ट में जो है वो रीजनिंग एबिलिटी में उसने जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग का जिक्र किया कि एक जनरल टू स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक टू जो है वो जनरल रीजनिंग। तो इतने जो आपके पास ये है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें लॉइस थर्नस्टोन साहब ने कहा कि एक पर्सन के अंदर ये सेवन फैक्टर होते हैं और ये उसकी इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं, लेकिन हर पर्सन में जो है वो ये फैक्टर जो है वो वेरी कर सकते हैं। नहीं हो सकता कोई एक पर्सन न्यूमेरिकल एबिलिटी के लाते ज़्यादा उसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, जबकि परसेप्चुअल स्पीड की जाए या परसेप्चुअल जो फैक्टर है इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी। तो हर पर्सन के अंदर ये सेवन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो उसकी इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं, लेकिन की डिग्री जो है वो वेरी कर सकती है। फिर उसने कहा कि एक पर्सन जो है वो कितना इंटेलिजेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे उसके प्राइमरी फैक्टर्स को जो है वो मैये को, तभी आपको उस पर्सन की जो है वो एक्यूरेट जो है उसकी इंटेलिजेंस की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। फिर नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है कैटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें बेसिकली कैटल ने दो तरह के जो है वो जनरल फैक्टर का जिक्र किया, एक जी एफ का और दूसरा जी सी का। जी एफ को उसने जो है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस का नाम दिया, जबकि जी सी को जो है उसने क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का नाम दिया। उसने फ्लूइड इंटेलिजेंस में कहा कि हमारे अंदर जो एक पर्सन के अंदर वो इंफॉर्मेशन, वो एबिलिटी या वो उसकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जिसमें उसने चीज़ों को जो है के बारे में उसको इंफॉर्मेशन होती है या नॉलेज होता है या उसके अंदर एबिलिटीज होती हैं जो उसने बगैर किसी
एजुकेशन के बगैर, किसी लर्निंग के बगैर, किसी जो है स्किल को सीखे, जो उसके अंदर इंटेलिजेंस होती है या एबिलिटीज होती है, जो स्किल होती है, पोटेंशियल होता है, उसको उसने फ्लूड इंटेलिजेंस का नाम दिया। जो और उसके साथ साथ उसने इस इंटेलिजेंस को बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस का भी नाम भी दिया, क्योंकि उसने कहा कि वो कैपेसिटी होती है जो पर्सन को जो है वो उसकी जो है वो हेरिडिटी हो सकती है, जो पेरेंट्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो उसने कहा कि जो अब एक पर्सन के अंदर जनरल जो है वो कैपेसिटी होती है कि वो कितने अच्छे थे, या पोटेंशियल होता है जो जिसका सोशलाइजेशन या एजुकेशन से कोई लिंक नहीं होता, उसको उसने जो है वो फ्लूड इंटेलिजेंस का जो है वो नाम दिया। उसने कहा कि फ्लूड इंटेलिजेंस इंक्रीज होती जाता है जैसे जैसे पर्सन की जो है वो एज इंक्रीज होती जाती है होती है, और उसके बाद ये कॉन्स्टेंट होती है, और जैसे जैसे एज जो है वो ओल्ड एज की तरफ जाता है तो ये इंटेलिजेंस जो है वो फिर डिक्रीज होती जाती है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में वही वो इंटेलिजेंस आ जाती है जो, या वो एबिलिटीज, वो स्किल्स आ जाती हैं जो हम थ्रू फॉर्मल एजुकेशन से जो है वो सीखते हैं, या फॉर्मल एजुकेशन से जो है वो हम एबिलिटी को लर्न करते हैं। इनमें ज़्यादातर जो है वो आपकी नॉलेज एंड स्किल आता है, इसको लर्न इंटेलिजेंस भी जो है वो कहा जाता है। ये इंटेलिजेंस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है एज लॉन्ग एज जब तक कि आपके पास जो है वो आप चीज़ों को लर्न करते रहते हो, या पॉसिबिलिटीज ऑफ लर्निंग जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये नेक्स्ट आता है गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको जो है वो गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को आप स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी कहते हैं। इसमें बेसिकली जो है वो इंटेलिजेंस को जो है वो एक थ्री डायमेंशनल क्यूब फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, उसे शो किया गया है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। गिलफोर्ड ने अपनी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री डायमेंशन, तीन डायमेंशन पे जो है वो इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ होती है, एक कंटेंट, सेकंड ऑपरेशन एंड थर्ड जो है वो प्रोडक्ट। कंटेंट में देखा एक पर्सन की जो है विजुअल पावर कितनी है, विजुअल्स के उसकी जो है उसकी एबिलिटीज कितनी है उसमें, कि वो विजुअल अगर किसी चीज़ को उसने देखा है तो कितने अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन को रिटे उस वो चीज़ें उसको वो इन्फॉर्मेशन याद रहती है, उसके जो है वो आंखों के सामने रहती है, उनको इन्फॉर्मेशन जो है रिटेन रहती है, और डिटी में कि उसकी लिसनिंग पावर कितनी है, सिम्बॉलिक फॉर्म में वो सिम्बल्स को कितने अच्छे तरीके से मेमोलाइज करता है, सीमेंटिक में उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या उस कॉन्टेंट का जो उसने सुना है उसका जो मीनिंग है वो उसको कितना अच्छे तरीके से रिटेन रहता है या याद रहता है, या उस पर वो कितना फोकस करता है वो आ जाता है। एंड बिहेवियर में जो है वो एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर आ जाते हैं। फिर प्रोडक्ट में आता है कि उसके अंदर उस पर्सन के अंदर एबिलिटी कितनी है कि वो चीज़ों को यूनाइट कर सके, चीज़ों को डिफरेंट क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई जो है वो कर सके, या उसको दो चीज़ों का आपस में रिलेशन जो है वो क्या है उसको कितने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है, सिस्टमाइज वे में चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से लर्न कर सकता है, या एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर लेता है, या वो जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज स्किल है उसको कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेता है, वो आ जाता है प्रोडक्ट में। लास्ट आता है ऑपरेशन में, ऑपरेशन में सबसे पहले आता है कॉग्निशन की, उस पर्सन की जो है वो कॉग्निशन कितनी है, कितने अच्छे तरीके से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है, पिक कर लेता है, रिटेन कर लेता है, परसीव कर लेता है मेमोरी, एंड फिर उसके बाद जो है उसमें जो है वो डाइवर्जन एंड जो है वो आपके पास आता है प्रोडक्शन, और जो है वो कन्वर्जन जो है वो प्रोडक्शन आता है। डाइवर्जन में आता है कि एक पर्सन एक प्रॉब्लम में कितने डिफरेंट किस्म के सोल्यूशन आपको जो है वो बता सकता है, और कन्वर्जन में आता है कि एक कोई एक स्पेसिफिक सोल्यूशन जो है वो बताया जाएगा, वो पर्सन बताएगा, बाकी रहता इधर उधर के जो है ये डिफरेंट जो है वो आपको आइडिया नहीं देगा, एक सिंगल एक परफेक्ट आइडिया किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो देगा, तो वो आ जाता है इसमें कन्वर्जन प्रोजेक्शन में। लास्ट में आता है कि एक पर्सन कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को अवैल्यूएट कर लेता है, उस एबिलिटी को आप कहते हो इंटेलिजेंस। तो यूं गिलफोर्ड ने अपनी थ्योरी में जो है वो कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली कंसिस्ट करती है इन थ्री डायमेंशन पे। फिर इसने जो है अपनी थ्योरी में कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट ऑफ फैक्टर्स है, और हर फैक्टर जो है वो आप कैसे ऑब्टेन करते हो, जब कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, ये जो थ्री डायमेंशन उसने बताया, उसने कहा कि जब इन तीनों को आप कंबाइन करते हो, इनका इंट्रैक्शन को जो है उससे आप जो है वो फैक्टर को जो है वो ऑब्टेन करते हो। इसने अपनी थ्योरी में जो कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली जो है वो कंसिस्ट ऑफ 120 जो है वो फैक्टर, तो इसने जो है वो कहा कि जो फैक्टर है उसके अंदर जो है वो फर्दर जो है वो इन तीनों डायमेंशन का जो है वो इंट्रैक्शन होता है। जैसे कि उसने कहा कि एक पर्सन फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, तो उसमें ऑपरेशन क्या होगा, उसकी कितने अच्छे तरीके से जो है वो अपनी जो है वो कॉग्निशन को यूज़ करके, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को यूज़ करके उस न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है, मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन उसने रीड की उसको रिटेन कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, या उसे अवैल्यूएट कर क्या कर रहा है कि न्यूज़पेपर में जो है वो क्या लिखा है, कॉन्टेंट में उसके वर्ड्स वगैरह, और जो है वो प्रोडक्ट में आता है कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो एक न्यूज़ को वो दूसरे न्यूज़ से जो है वो लिंक कर सकता है। तो उस एबिलिटी को जो है वो उसने उसको डायमेंशन को जो है उसने प्रोडक्ट का जो है वो नाम दिया।
तो यूँ इन शॉर्ट इसने अपनी थ्योरी में जो है वो बेसिकली कहा कि इंटेलिजेंस कॉन्सिस्ट ऑफ दीज थ्री डायमेंशन, और उसने कहा कि ईच डायमेंशन, ये जो डायमेंशन है इनका जो इंट्रैक्शन है इसे फर्दर जो है वो फर्दर ये डायमेंशन जो है वो एक फैक्टर को डिफाइन करती है, और उसने फर्दर ये कहा कि इनकी वजह से जो है वो इन इंट्रैक्शन ऑफ दीज डायमेंशन की वजह से उसने जो है वो बताया कि 120 जो है वो फैक्टर होते हैं। तो यूँ अपनी थ्योरी में जो जितने फैक्टर्स का जिक्र किया वो 120 फैक्टर थे। फिर नेक्स्ट जो है वो 9 टाइप्स इंटेलिजेंस की बताई, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आता है, विजुअल इंटेलिजेंस आता है, कुछ लोगों की विजुअल जो है वो मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, अगर उन्हें जो है वो कोई इमेज देख लें या कोई चीज़ देख लें तो उनको अच्छे तरीके से रिटेन रहती है। कुछ लोगों का इंट्रापर्सनल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इंटेलिजेंस, यानी सेल्फ स्मार्ट होते हैं, अपने लिहाज से उन्हें पता है उन्होंने कब क्या करना है, क्या करना है या क्या चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है क्या चीज़ नहीं है। इसी तरह इंट्रापर्सनल में पीपल स्मार्ट, लोगों के साथ उनकी कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन, सोशलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह कुछ लोग लिंग्विस्टल होते हैं, उनकी जो है वो वर्ड्स के लिहाज से बहुत उन्हें पता होता है कि सिचुएशन में कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, कहाँ कौन से वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करने। लॉजिकल में कुछ लोगों की लॉजिक सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उस लिहाज से ज़्यादा जो है वो स्मार्ट होते हैं। फिर एक इंटेलिजेंस में आता है काइनेस्थेटिक जो है वो, इसमें जो है लोगों की बॉडी मूवमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। नेचुरलिस्टिक जो नेचर के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है नेचर को जो है वो किस तरीके से जो है वो बेहतर किया जा सकता है या उसको किस तरीके से ग्रो करवाया जा सकता है। इतना कुछ लोग होते हैं म्यूजिकल, उनकी जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा जो है उस लिहाज से वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। कुछ लोग जो है वो एग्जिस्टेंशियल होते हैं, लाइफ के लिहाज से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको लाइफ गोल्स का पता होता है या उन्होंने जो है वो ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है, इंजॉय करना है, वो उस लिहाज से जो है वो ज़्यादा जो है वो स्मार्ट होते हैं। फिर ये नेक्स्ट कुछ नॉन साइंटिफिक अप्रोचेस बताई हैं जो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। इनमें सबसे पहले आपके पास आता है फेनोलॉजिकल अप्रोच, फिर आता है फिर जो है आपके पास फिजियो जो है वो गोनोमिकल जो है अप्रोच आ जाती है, लास्ट आती है एस्थेटिक थेटियो जो है वो मेट्रिक जो है वो अप्रोच आ जाती है। जो आपके पास सबसे पहले जो है वो फेनोलॉजिकल अप्रोच आ जाती है, वो ये कहती है कि इंटेलिजेंस को आप असेस कर सकते हो एक पर्सन के जो है वो हेड के साइज़ से, यानी एक पर्सन का हेड का साइज़ कितना है वो उसकी इंटेलिजेंस को जो है वो डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा पर्सन का जो है वो हेड का साइज़ बड़ा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो पर्सन इंटेलिजेंस होगा। जबकि जो फिजियो जो है वो गोनोमिकल अप्रोच है वो ये कहती थी कि एक पर्सन की जो ब्यूटी है वो उसकी इंटेलिजेंस को जो है वो डिफाइन करती है, एक पर्सन जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा। इतना जो थेटियोमेट्रिक अप्रोच है वो ये कहती थी कि बॉडी एक पर्सन की जो बॉडी कितनी सेंसिटिव है वो उसकी इंटेलिजेंस लेवल को जो है वो डिटरमाइन करती है, यानी जितनी ज़्यादा सेंसिटिव होगी उतना ज़्यादा वो पर्सन जो है वो इंटेलिजेंस होगा। लेकिन ये सारी अप्रोचेज जो है वो नॉन साइंटिफिकल थी, कोई साइंटिफिकल जो है वो इन पर स्टडी नहीं हुई थी, एक्सपेरिमेंटल इन पर स्टडी नहीं थी हुई थी, ये जस्ट लोगों ने जो है वो अपने जो है वो व्यूज़ बताए थे। अब इसलिए जो है वो ये जितनी भी अप्रोचेज थी ये जो है वो नॉन रिलायबल थी, उनके अंदर की जो है वो रियल लाइफ में जो है वो कोई वैलिडिटी नहीं थी। नेक्स्ट आ जाता है कि आप इंटेलिजेंस को जो है वो किस तरीके से जो है वो मेजर कर सकते हो। इंटेलिजेंस जो है वो आपके पास जो फर्स्ट जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट जो कंस्ट्रक्ट किया था वो बाइनेट ने कंस्ट्रक्ट किया था, इसको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसने कुछ टेस्ट दिए थे जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस में बेसिकली लैंग्वेज यूज़ की गई थी या रिटन क्वेश्चन जो है वो यूज़ किए गए थे, उनके आंसर जो है वो ओरल या रिटन दोनों फॉर्म में जो है वो दिए जा सकते हैं। ये एजुकेटेड लेकिन लोगों को एडमिनिस्टर किया जा सकता था, इलिटरेट या नॉर्मल या एलियन बाहर जो है वो ये टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। वर्बल टेस्ट जो है वो ग्रुप में इंडिविजुअल दोनों फॉर्म में जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जो है वो उनकी एक लिमिटेशन ये थी कि जो है वो लोग जो अनएजुकेटेड थे या अबनॉर्मल थे उन पे जो है वो ये टेस्ट अप्लाई नहीं किया जा सकते। इसमें जलोटा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, बाइनर साइमन जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट आता है। फिर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, अब जैसे इसमें नॉन वर्बल है तो इसमें कोई जो है वो लैंग्वेज नहीं यूज़ की गई थी, बल्कि लैंग्वेज के बजाय जो है इसमें ज्योमेट्रिकल डायग्राम, वुडन ब्लॉक्स, पिक्चर, ये सब चीज़ें जो है वो यूज़ की गई थी। इसके साथ साथ एक इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट ये था कि ये टेस्ट जो है वो एजुकेटेड जो है वो लोगों के साथ इलिटरेट या नॉर्मल लोगों में भी जो है वो एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। इन जो टेस्ट है इसको परफॉर्मेंस टेस्ट का भी नाम दिया जाता है, इंडिविजुअल ग्रुप दोनों के लिए जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट में आपके पास आता है रेवन एडवांस, प्रोग्रेसिव मैटर्स, कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट, भाटिया जो है वो बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर इंडिविजुअल जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इंडिविजुअल में जो है वो यानी आप एक इंडिविजुअल के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हो एक वक्त में। ज़्यादातर ये टेस्ट जो है वो क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ किया जाता है, जब आपने किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट का या क्लाइंट का जो है वो की जो है वो इंफॉर्मेशन या उसका डाटा जो है वो गैदर करना होता है उसकी इंटेलिजेंस के लिहाज से।
और इन टेस्ट को जो एडमिनिस्टर करने के लिए आपको स्किल या ट्रेन पर्सन ही जो है वो चाहिए होता है जो ये टेस्ट एडमिनिस्टर कर सके। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इस टेस्ट में टाइप आ जाती हैं। नीचे कुछ एग्जांपल बताई हूँ, जैसे वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल अलेक्जेंडर पास अलॉन्ग इंटेलिजेंस टेस्ट, साइमन जो है वो बाइनेट इंटेलिजेंस जो है वो टेस्ट, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे नाम इंडिकेट किया जाए टेस्ट जो है वो ग्रुप में जो है वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे ई कैट एम कैट इन सारे में यहाँ पे जो है वो इस तरह के टेस्ट जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। ये वर्बल नॉन वर्बल ये भी सेम जो है वो दोनों होते हैं आ जाते हैं। फिर ये टेस्ट जो है वो उनके लिए जो है वो ट्रेन या स्किल पर्सन की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। अब एग्जांपल में इसमें आ जाता है आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो, डियर बॉर्न ग्रुप जो है वो टेस्ट सीरीज, जेलोटा ग्रुप जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर नेक्स्ट है कुछ ग्रुप इंटेलिजेंस को जो है वो फर्दर दो में क्लासीफाई किया, एक स्पीड टेस्ट और दूसरे आ जाते हैं आपके पास पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट होते हैं जिसमें आप बेसिकली पर्सन की जो है वो स्पीड को जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि उसकी जो है वो एक्चुअल में जो है वो स्पीड कितनी है। इसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो वेरी नहीं करता, सिर्फ पर्सन ने देखना होता है एक पर्टिकुलर टाइम उसको दिया था उस टाइम के अंदर जो है वो टेस्ट को जो है वो फिनिश करना होता है। नेक्स्ट ये नीचे कुछ एग्जांपल बताइए, जैसे कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट या जलोटा जो है वो ग्रुप इंटेलिजेंस, ये आपके स्पीड टेस्ट में आता है। पावर टेस्ट में बेसिकली उस पर्सन की पावर देखी जाती है कि वो कितने अच्छे तरीके से डिफ़िकल्टी लेवल को जो है वो एक्सेस कर सकता है। ये पर्सन जैसे जैसे टेस्ट जो है वो सॉल्व करता जाता है या टेस्ट अटैम्प्ट करना शुरू करता है तो उस लिहाज से डिफ़िकल्टी लेवल भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसमें फ्री टाइम दिया जाता है कि जब तक वो पर्सन जो है वो उस जो है वो उस टास्क को जो है या जो उसको दिया गया उसको जब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व जो है वो नहीं कर लेता। इसमें एग्जांपल में आपके पास आता है रेवन एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स अलेक्जेंडर पास जो है वो लॉन्ग इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट आता है आईक्यू कि एक पर्सन की जो है वो आप इंटेलिजेंस लेवल को किस तरीके से जो है वो मेजर करते हैं। ये टर्म जो है वो फर्स्ट टाइम जो क्वाइन की थी वो स्टैनफोर्ड जो है वो बाइनेट सामने टर्म की थी। उसने कहा था कि आईक्यू जो है वो बेसिकली रेशियो है बिटवीन मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के दरमियान। मेंटल एज के एक पर्सन को आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसमें बेसिकली पर्सन को इंटेलिजेंस टेस्ट दिया जाता है और पर्सन दिखा जाता है कि आप ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो सॉल्व करो, उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो फिर एवेल्युएट किया जाता है कि उस पर्सन की जो है वो मेंटल एज जो है वो कितनी है। क्रोनोलॉजिकल एज होती है उसकी जो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ जो है वो एज होती है। जैसे वो आपको एग्जांपल बताइए मेंटल एज पर्सन की बताई हुई है और ये नीचे क्रोनोलॉजिकल एज बताइए, इसको सिंपली जो है वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करें तो आपके पास आईक्यू लेवल आ जाता है। अगर किसी पर्सन का है उसका 0 से 70 आईक्यू लेवल है तो मीन फीबल माइंडेड है जो है वो उसको कुछ जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चीज़ों की समझ जो है वो सूझबूझ नहीं है। 70 से 80 है तो वेरी डल जो है वो है उसका आईक्यू लेवल, 80 से 90 है तो डल, 90 से 110 है तो उसका एवरेज आईक्यू लेवल है, 110 से 120 है तो ब्राइट, 120 से 140 के दरमियान तो सुपीरियर, अबव 40 है तो वो पर्सन जीनियस है। अब ये जो आपके पास आईक्यू लेवल की वैल्यूज़ बताइए और मेंटल टाइप्स इसके अकॉर्डिंग टू बताइए आपको एमसीक्यूज में जो है वो आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेंटल रिटार्डेशन, अगर किसी पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल बिलो जो है वो एवरेज हो या वो सारी स्किल जो डेली रूटीन में सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है अगर वो पर्सन प्रॉपर तरीके से वो परफॉर्म ना हो तो हम उस पर्सन को कहते हैं कि वो पर्सन मेंटली रिटार्डेड है या इंटेलेक्चुअली जो है वो डिसेबल है। ये अमेरिकन जो है वो एसोसिएशन जो है उसने एक डेफिनेशन मेंटल रिटार्डेशन की बताया कि वो डिसेबिलिटी है जो आप कैरेक्टराइज करते हो जब आप एक पर्सन को दो एरियाज में लिमिटेशन हो, एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में यानी वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, परसीव नहीं कर सकता, उसके लिहाज से थिंक नहीं कर सकता, रैशनलाइज नहीं कर सकता, या अडॉप्टिव बिहेवियर यानी डेली रूटीन में जो जो टास्क परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं उस पर्सन के अंदर वो जो है वो एबिलिटीज नहीं है, खुद को किस तरीके से उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करना है, अगर उस भी उस लिहाज से उसके अंदर जो अडॉप्टिव बिहेवियर उसकी लिमिटेशन है तो उसको जो है वो आप कहते हो कि वो पर्सन मेंटली रिटार्डेड है। नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम है ये बिफोर एज 18 जो है वो अपीयर होते हैं। आगे ये 4 लेवल इनके बताए हैं, अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 50 से 55 या 50 से 70 के दरमियान तो उसे माइल्ड मेंटल रिटार्डेड कहते हैं। अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 35 से 40 या 50 से 55 के दरमियान तो उसे मॉडरेट, किसी पर्सन का 20 से 25 या 35 से 40 के दरमियान तो उसे सीवियर, और किसी पर्सन का 20 से बिलो या जो 25 से बिलो है या 25 है तो उसे कहते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ये नेक्स्ट कुछ कॉजेज बताए हैं कि एक पर्सन क्यों मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। हेरिडिटी इसमें बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी फैमिली हिस्ट्री है मेंटल रिटार्डेशन की तो नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस है। जेनेटिक डिफेक्ट,
क्रोमोसोमल कोई अबनॉर्मलिटी जैसे डाउन सिंड्रोम या फिर जाइलैक्स क्रोमोसोम या वो सारी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है या कम हो जाता है, तो उस केस में जो है वो या अबनॉर्मल जो है वो डिलीवरी, एक पर्सन जो है जब डिलीवरी के दौरान अगर फोर्स डिलीवरी है या वैक्यूम डिलीवरी दौरान अगर जो है वो ब्रेन पे जो है वो प्रेशर ज़्यादा लग गया तो उसकी वजह से ब्रेन एरिया डैमेज होने की वजह से पर्सन मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। प्री नेटल इन्फेक्शन, मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो पर्सन को मेंटली, उसकी वजह से बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। टॉक्सिक एजेंट, मदर ने अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल या कोई ऐसी टॉक्सिक ड्रग का यूज़ किया तो वो ड्रग बच्चे की जो है वो ब्रेन पर अफेक्ट कर सकती है जिसकी वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। या मेल न्यूट्रिशन, अगर बच्चे मदर ने अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, वो सारी चीज़ें जो बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी अगर मदर उस डाइट का ख्याल नहीं रखा तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। इसके साथ जो है वो आपका इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।